तो आज मैं इस ओशन में सर्वाइव करने वाला हूँ 100 डेज एंड रिसोर्स के नाम पे सिर्फ ये ग्रास ब्लॉक एंड ये बैम्बू है मेरे पास एंड उस ग्रास ब्लॉक के अलावा यहाँ पे कोई भी आयरन नहीं है एंड वीडियो के एंड होते होते ये जगह कुछ ऐसी दिखने वाली है। ऑल्सो ये सब मैं करने वाला हूँ हार्ड कोर के अंदर, सो या एंजॉय। सो डे 1 को मैं स्पॉन हो चुका था अपने आयरन के ऊपर, नहीं मतलब इस डब्बे के ऊपर। तो सबसे पहले समुद्र के नीचे जाके मैंने काफी सारे यहाँ से डर्ट इकट्ठा कर ली, बिकॉज मेरे को अपने आयरन को थोड़ा सा एक्सपेंड करना था। देन फिर मैंने जाके अपने आयरन को थोड़ा सा बड़ा भी कर दिया एंड इतनी सारी मेहनत करने के बाद मेरे को काफी सारी भूख लग रही थी, मैंने सोचा थोड़ी सी मछलियाँ पकड़ ली जाए एंड थोड़ी सी मेरा मतलब है सिर्फ एक। एंड मेरे बैम्बू काफी ज्यादा लेट ग्रो हो रहे थे तो मैंने सोचा क्यों ना थोड़ा सा देसी टोटका मार लिया जाए, बट ये टोटका काम नहीं करा एंड ये मछलियाँ ने पता नहीं कौन से सस्ते नशे कर रखे थे। तू मुझे गलत मत बोल, तू खुद को गलत बोल, तू खुद की औकात देख। एंड थोड़ी देर बाद नन्हे मुन्ने बैम्बू बड़े हो गए तो मैंने सोचा सबसे पहले इनकी क्राफ्टिंग टेबल मैं बना लेता हूँ। एंड जैसे मैं बनाने लगा, देखो कमेंट में ना कोई नूम नहीं लिखेगा यार, मेरे को पता नहीं था इससे हम क्राफ्टिंग टेबल नहीं बना सकते, इसका मतलब हमें एक शिपरैक ढूंढनी पड़ेगी अब। तो मैं निकल पड़ा एक शिपरैक ढूंढने, बट शिपरैक का तो पता नहीं, लेकिन यहाँ पे समुद्री दरिंदों का मेरे को यहाँ पे एक घर मिला एंड उस घर में एक चेस्ट भी रखी जिसके अंदर मेरे को ठीक ठाक लूट मिल गई। देन फाइनली काफी ज्यादा ढूंढने के बाद मेरे को एक शिपरैक भी दिख गई जिसके अंदर चेस्ट थी, जिसके अंदर मेरे को बुक मिल गई एंड दूसरी चेस्ट में तो मेरे को आयरन भी मिल गए थे। एंड आइलैंड पे वापस आके सबसे पहले मैंने अपने लिए एक क्राफ्टिंग टेबल बना ली, देन मैंने एक पिकैक्स भी बना ली थी एंड ऑल्सो एक मैंने शॉवल भी बना ली थी, बिकॉज मेरे को अपना काफी सारी डर्ट इकट्ठा करनी थी क्योंकि मेरा आयरन अभी भी काफी ज्यादा छोटा था, तो मैंने यहाँ से काफी सारी डर्ट इकट्ठा करी। देन फिर वापिस आके मैं लग गया अपने आयरन को एक्सपेंड करने। तो फाइनली अपना आयरन एक्सपेंड हो चुका था एंड अपने बैम्बू भी सही ग्रो हो रहे थे, बट गाइस यहाँ पे खाने की काफी ज्यादा दिक्कत हो रही तो मैंने फिशिंग करके काफी सारी मछलियां इकट्ठा करी। नाउ मेरे खाने का तो थोड़ा सा इंतजाम हो चुका था, बट रात होती किरमाड़ा के सैनिकों का मेरे ऊपर हमला हो जाता है, बट इनको मारने के मेरे को लोड लेने की दिक्कत है नहीं क्योंकि ये काम तो मेरा एडिटर भी कर देगा। एंड गाइस फिशिंग करने से इतनी मछलियां मेरे को मिली नहीं थी तो मैं सीधा पानी के अंदर कूद के काफी सारी मछलियां इकट्ठा करता हूँ। एंड ऑल्सो मछलियों मारने से मेरे को एक बोनबिल भी मिल गया था तो मैंने सीधा ये घास पे फेंक के मारा एंड अगर हमारा लक रहा तो उसमें वीट का सीड मिल जाएगा जिससे हमारा परमानेंटली खाने का जुगाड़ हो जाएगा। एंड रहा भी भाई कुछ ऐसा, मेरे को यहाँ से 2 वीट के सीड भी मिल गए। एंड भाई डे 5 आ चुका था एंड मेरे को अपना काफी सारे माइनिंग करनी थी बिकॉज हमें को अपग्रेड होना था यार आयरन वगैरह में, तो यहाँ पे मैंने काफी सारी माइनिंग करी एंड काफी सारे काम की चीज इकट्ठा करी एंड मैं माइनिंग करते करते काफी नीचे आ गया एंड नीचे आने के बाद मेरे को यहाँ पे मेरा पहला डायमंड मिल गया एंड यहाँ तो मैं मरते मरते बचा भाई, बिकॉज यहाँ पे 3 स्केलेटन आ गए थे, मेरे पास आर्मर भी नहीं था एंड ज़ॉम्बी भी था एंड ये भी कम नहीं था, तो ऊपर एक विच भी आ गई भाई, तो मैं फटाफट यहाँ से निकल गया। कसम से भाई जैसे जैसे मैं निकल आया वरना अभी हो जाते 100 डेज पूरे। देन फिर मैंने अपने इकट्ठा करे हुए आयरन को स्मेल्ट होने के लिए लगा दिया एंड अपने लिए बना लिया फुल्ली एक आयरन का आर्मर। एंड फिर मेरे को और भी काफी सारे आयरन मिले तो मैंने ये भी इकट्ठे कर लिए एंड उसके बाद मेरा प्लान बन रहा था जब मैं इतना नीचे आ गया हूँ तो क्यों ना भाई यहाँ पे स्ट्रिप माइन करके थोड़े से डायमंड वगैरह भी लेके जाया जाए, जिसकी शुरुआत तो भाई बहुत ज्यादा घटिया हुई, सामने लावा आ गया, बट ऐसे बड़े बड़े वर्ल्ड में छोटी छोटी बातें होती रहती है। फिर मैं लग गया स्ट्रिप माइन करने, देन वहां पे मेरे को पहले डायमंड मिले थे एंड यहाँ पे और मिल गए भाई, क्या ही लक है भाई साहब। नहीं नहीं ये लक, एक ही डायमंड मिला भाई, नहीं लक बढ़िया भाई, आयरन भी मिल गया साथ में किसी एक का तो हो। देन गाइस मेरे को यहाँ पे लावा पूल भी मिल गया था तो मैंने सोचा जब आ गया हूँ तो ऑब्सीडियन भी लेके यहाँ से चला जाऊं। देन फिर मैं अपने आयरन पे वापस आ गया एंड वापस आने के बाद मैं जितनी भी लूट लाया था उसको एक चेस्ट में ट्रांसफर कर दिया एंड मेरा खाना खत्म हो चुका था तो मैंने थोड़ी सी मछलियां भी मारी एंड बोन से बोन मिल बना के मैंने इन वीट को भी थोड़ा सा ग्रो करा, बिकॉज यार बार बार मछली मारना झंझट का बहुत काम हो रहा था तो मैंने इनकी भी थोड़ी सी क्वांटिटी बढ़ाई। एंड जैसे मैं हमेशा करता हूँ अपने आयरन के आर्मर को आर्मर स्टैंड में रखा, देन उसके बाद मैंने पहन लिया अपना फुली डायमंड का आर्मर एंड ऑल्सो मैंने थोड़े से डायमंड के टूल भी बना लिए थे एंड अपने लिए खाने के लिए थोड़ी सी मछलियां भी इकट्ठा करी
एंड फिर मैंने अपने लिए एक नेदर पोर्टल बना दिया है टेम्पररी भाई, बिकॉज यार नेदर ही है जहाँ से मैं अपनी चीजें ला सकता हूँ। एंड फिर मैं ग्रेवल तोड़ने लग गया एंड भाई मेरे को पहले बार में मिल गया। भाई देखो इस बात पे तुम लोगों को लाइक करना पड़ेगा, कोई तरीका है भीख मांगने का? एंड भाई दूसरे वाले में भी निकल गया, देखो देखो अब सब्सक्राइब भी। एंड फिर मैं सीधा अपने नेदर के अंदर चला गया एंड नेदर में जाने के बाद मेरे को पता चला मैं ये लाल वाली बायो में स्पॉन हुआ हूँ। एंड भाई ये मेरा अब तक का सबसे बेस्ट नेदर का स्पॉन था, वो तुम लोगों को आगे पता चलेगा। एंड भाई यहाँ पे एक सुअर था जो कि मेरे पास भगा भगा आ रहा था, पर मैं इस फूल के पास जाके खड़ा हो गया। एंड भाई बताओ इतना बड़ा सुअर होने के बाद भी ये कि छोटे से फूल से डर जाता है भाई ये, तो मैं इस फूल को ले लेके इसके साथ काफी ज्यादा मजे कर रहा था। मैं बार बार जाके उसके पास वो फूल लगाए जा रहा था, वो डरे जा रहा था। आप डरे हुए परिवार के साथ? पूरा परिवार डरा हुआ यार। देन फिर मेरे को नेदर के थोड़े से लालची सुअर मिल चुके, तो मैं सोचा क्यों ना इनसे थोड़ी सी ट्रेडिंग कर ली जाए। तो इनके पास मैंने थोड़ा सा गोल्ड दे दिया, तो मैंने इसे ट्रेडिंग करने लग गया एंड इन्होंने मेरे को थोड़ा सा ठीक ठाक सामान दे ही दिया था। देन फिर सारी ट्रेडिंग करने के बाद मैं अपने घर पे आ गया एंड साथ में साथ फैंटम भी आ गए, बट अब की बार इनको मैंने ऐसा पेला आज के बाद नहीं आएंगे भाई ये दोबारा यहाँ पे। घर तो मैं इन्वेंट्री खाली करने के लिए गया था, देन फिर मैं दोबारा नेदर में आ गया बिकॉज यहाँ एक जगह पे मैंने फोर्ट्रेस देखी थी। देन फिर सीधा मैं फोर्ट्रेस के अंदर चला गया थोड़ी सी ब्लेज रोड वगैरह इकट्ठा करने के लिए, बट यहाँ पर एक अजीब सी बात हुई भाई, मेरे सोर्ड में कोई इंचेंटमेंट नहीं लगी थी एंड मैंने मेरा पहला विदर स्केलेटन स्कल जैसे मारा ना, तभी उसने मेरे को स्कल ड्रॉप करके दे दिया भाई बिना किसी इंचेंटमेंट के। देन फिर एक एक करके मैंने काफी ब्लेज की कुटाई करी देन फिर मैं वापस अपने घर पे चला आया। एंड गाइज अब मेरे को एक एक्सपी फार्म बनाना था, बट उसके लिए ना मेरे को थोड़े से स्टोन की जरूरत पड़ने वाली थी, तो मैंने सोचा सबसे पहले थोड़े से स्टोन इकट्ठा कर ले, तो मैंने यहाँ पे काफी सारे स्टोन इकट्ठा करे। फिर मैं लग गया एक्सपी फार्म बनाने, बट जैसे ही मैं एक्सपी फार्म बना रहा था दोबारा से फैंटम आ गए, बट अब की बार इनको मैं छोड़ने नहीं वाला भाई, इनको मैं कैद करने वाला था। तो मैंने यहाँ पे बोट प्लेस कर दी एंड एक एक करके इनको मैं कैद करने लग गया। एंड भाई ये इतने बेवकूफ है, मेरी बोट में आके बैठते गए एंड ये एक बार बोट में बैठ के फिर ये उड़ नहीं सकते, तो एक एक करके मैं इनको कैद कर लिया। बट यार एक दिक्कत, ये चार चार करके बैठ गए थे ना, तो फिर मेरे को इनको एक एक करके मारना पड़ा बिकॉज मैं बोट हिला नहीं पा रहा था। देन ये काफ़ी ज़्यादा आवाज़ भी कर रहे थे, तो मैंने इनको समुद्र में छोड़ा है मतलब अपने घर के पास, एंड ये धूप में भी नहीं जलेंगे बिकॉज ये अभी बोट के अंदर पानी में है ना, इसलिए अब ये यहीं पर पड़े रहेंगे हमेशा। एंड चलो अपना एक्सपी फार्म बनाना कंटिन्यू करते हैं। तो अपना एक्सपी फार्म बनकर तैयार हो चुका है, बट अब मेरे को काफी सारी डर्ट चाहिए ताकि मैं खाना उगाने के लिए एक जगह बना सकूं। तो फिर मैंने काफी सारी डर्ट इकट्ठा करी ना, अपनी मस्त खाना उगाने की जगह तैयार हो चुकी थी एंड उसके अंदर मैंने अपना खाना उगाना स्टार्ट भी कर दिया था। एंड अब मेरे को बैम्बू की भी काफी ज्यादा जरूरत पड़ने वाली थी, बट यार ये बीच आयरन में काफी ज्यादा अजीब लग रहे थे, तो मैंने सोचा इनके लिए एक प्लेटफॉर्म बना लूं, तो फिर मैं लगे इनके लिए प्लेटफॉर्म बनाने। देन फिर ये सारे बैम्बू को मैंने अपने इस आइलैंड से हटा दिया एंड जो नए वाला आइलैंड थे उसके अंदर सब मैंने बैम्बू को प्लांट भी कर दिया। नाउ गाइस ये काफी बड़ी दिक्कत थी कि ये एक्सपी फार्म बिल्कुल भी वर्क नहीं कर रहा था, मैं सोचा पानी के ऊपर तो वर्क तो करेगा, बट यार ये वर्क नहीं कर रहा था। सो गाइस मेरे को एक और एक्सपी फार्म बनाना पड़ेगा, बट उसके लिए मेरे को काफी सारे नेदरैक चाहिए थे बिकॉज वो जल्दी माइन हो जाते हैं, तो मैंने सोचा माइन 15 में जाकर करता हूँ, तो क्या पता मेरे को एंशिएंट डेब्रिस भी मिल जाए। देन फिर मैंने यहाँ पे काफी सारे नेदरैक माइन करे एंड हुआ भी कुछ ऐसा भाई, दुनिया भर का खोदने के बाद मेरे को तुक्के में सिर्फ दो एंशिएंट डेब्रिस मिल भी गए, बट मैंने काफी ज्यादा खोला भाई, दो भी मिले काफी ज्यादा मिल गए भाई। देन वापस बेस पे आके मैंने ना अपने पुराने वाले एक्सपी फार्म के ऊपर ले लिए बिकॉज ये वैसे भी यहाँ पे वर्क तो कर ही नहीं रहे थे क्योंकि लूट तो मिल ही नहीं रही थी, तो फिर मैं लग गया अपने लिए एक्सपी फार्म बनाने जो कि बन भी गया। अब बार बार क्या दिखाना, वो सेम ही बनाया था एंड अब काफी ज्यादा मस्त मॉब आ भी रहे थे यहाँ पे। देन फिर मैं सीधा नेदर में बेशन ढूंढने आ गया एंड मैंने कही थी ना काफी ज्यादा लकी निकला आपकी बार वाला नेदर पोर्टल मेरे लिए, बिकॉज इस वाले में फोर्ट्रेस तो थी लेकिन यहाँ पे साथ में एक बेशन रेमिनेंट भी था भाई इसी बायोम में बिल्कुल,
तो फिर मैंने इसके अंदर लूटपाट चालू मारी एंड ऊपर जाते पास सबसे पहले मेरे को ट्रेजर रूम ही मिला एंड जहाँ पे भाई पिगलिन ब्रूट भी थे बट वहाँ पे खिड़की थी तो मैंने इनको आराम से यहाँ से पेला। एंड यहाँ पे चेस्ट में तो भाई देखो क्या मस्त मस्त चीज मिल गई एंड दो तो मेरे को एंशिएंट डेब्रिस जब मैंने नेदरैक के इकट्ठे करे तब मिले थे एंड एक मेरे को इस चेस्ट में से भी मिल गया था भाई। एंड दूसरा एरिया क्लीन करने के बाद यहाँ पे भी चेस्ट थी जिसके अंदर एक और एंशिएंट डेब्रिस रखा हुआ था एंड ऑल्सो दूसरे वाले में गोल्डन एप्पल भी रखा हुआ था जिसके लिए तो मैं आया था बिकॉज मेरे को विलेजर क्योर करने थे। एंड अब जैसे जैसे करके मेरे को नीचे तक पहुंचना था यार बिकॉज वो नीचे वाली चेस्ट में काफी मस्त मस्त सामान मिलता है तो फिर मैं जैसे तैसे ब्लॉक लगा लगा के नीचे गया। एंड ऑल्सो यहाँ पे मेरे को एक और चेस्ट मिल चुकी थी जिसके अंदर मेरे को एक और ट्रिम मिल गया एंड थोड़े से गोल्ड के ब्लॉक थे। एंड भाई ये छोटे छोटे सुअर के बच्चे मेरे पीछे पड़ गए भाई लिटरी एंड मैं कूदा भी देखो कहाँ पे ब्लॉक के ऊपर नहीं सीधा कुएं में कूद गया भाई जैसे जैसे करके मैं बच गया बस वो बड़े वाले सुअर नहीं थे वरना अभी मर जाता भाई मैं। एंड जैसे जैसे करके मैं अपने नीचे पहुंच चुका था एंड यहाँ पे एक स्पोनर था वो भी मैंने तोड़ दिया एंड ये देखो भाई कार्पेट का हुआ बेचारा। एंड नीचे भी थोड़े से पिगलिन ब्रूट थे बट उनको तो मैंने सीधा लावा में जला जला के मार दिया। एंड गाइस नीचे वाले एरिया मैंने कर दिया पूरा क्लियर एंड ये बेचारा जो मैं अटका हुआ था तो मैंने इसको आजाद कर दिया दुनिया से। देन मैंने यहाँ के सारे गोल्ड भी चुरा लिए। उसके बाद यहाँ पे मैंने देखा यहाँ पे बीच में चेस्ट रखी हुई है जो कि यहाँ की मेन चेस्ट होती है एंड उसके अंदर मेरे को फुल्ली डायमंड का आर्मर मिल गया था बस सिर्फ हेलमेट ही नहीं था। एंड ऑल्सो यहाँ पे एक और चेस्ट रखी हुई जिसके अंदर थोड़ी सी और लूट थी एंड यहाँ पे भी एक गोल्डन एप्पल मेरे को मिल गया था। देन उसके बाद मैं दोबारा अपने आयरन पे वापस आ गया एंड आयरन पे वापस आने के बाद मैं दोबारा अपने एक्सी फार्म में चला गया। एंड यहाँ पे एक मस्त लक हुआ भाई जैसे ही मैं एक्सी फार्म में चला ना तभी मेरे को एक ज़ॉम्बी विलेजर की आवाज आई एंड ज़ॉम्बी विलेजर तो था ही था बट थोड़ी देर बाद जैसे मैं कुछ इन्वेंट्री से निकालने की कोशिश कर रहा था तभी एक विच भी आके यहाँ पे गिर गई भाई देखो क्या ही मस्त लक चला मतलब विच भी आ गया हमारा ज़ॉम्बी विलेजर भी आ गया तो फिर मैंने विच की हेल्प से इसको क्योर भी करने लग गया। एंड ये मेरे पोशन फेंकती गई मैं खाता गया एंड एक पॉइंट पे इसने मेरे को पोशन ऑफ स्लोनेस का फेंक के मारा एंड मैंने ज़ॉम्बी विलेजर को सेफ खिलाया। एंड अब अपना ज़ॉम्बी विलेजर भी मस्त क्योर हो चुका था तो इस ज़ॉम्बी विलेजर को लेके मैं अपने दोबारा बेस पे उल्टा आ गया। एंड इसके लिए मैंने बना लिया एक छोटा सा घर मतलब कुछ कराया नहीं था ऐसे ही नॉर्मल बना दिया एक बार के लिए ज़ॉम्बी इसको मारे ना। देन फिर मैं अपने एक्जिट फार्म में दोबारा आ गया एक और विलेजर के लिए एंड काफी ज्यादा टाइम लगाया भाई अब की बार तो विलेजर और विच को आने में बट विच तो आ गई थी फिर थोड़ी देर विलेजर भी आ गया एंड विच के जरिए फिर मैंने उस वाले ज़ॉम्बी विलेजर को भी क्योर कर दिया एंड थोड़ी देर के बाद वो भी नॉर्मल विलेजर बन गया ज़ॉम्बी विलेजर से। देन गाइस मेरे को इनके साथ ट्रेडिंग करनी थी यार बस मेरे को काफी सारी स्टिक चाहिए तो मैं नेदर में जाके काफी सारी वुड की माइनिंग करी एंड फिर उन वुड से मैंने स्टिक बना के इनसे काफी सारी ट्रेडिंग भी करी। देन गाइस एक्सी फार्म से मिले बोन से मैंने यहाँ पे काफी सारे वीट को ग्रो करा बिकॉज मेरे को पूरे सर्कल में वीट उगानी थी तो मेरे को काफी सारे वीट के सीड चाहिए थे। एंड गाइज मैंने इनको थोड़ा सा खाना भी खिला दिया ताकि ये ब्रीड कर सके भाई यहाँ पे आराम से। एंड कर रहे हैं क्या वो लोग ब्रीड देखूं तो भाई थोड़ा सा जल्दी वहां से हटो मैं तो भाई वुड देख रहा था यार वो बस दीमक वगैरह तो नहीं लगी। सो गाइस अब मेरे को पेपर की जरूरत थी बट यहाँ पे कोई आइलैंड तो है ही नहीं भाई जहाँ से मैं शुगर केन ला सकूँ तो एक ही चीज़ है पेपर लाने की जो कि है शिपरेक क्योंकि शिपरेक के अंदर में काफ़ी सारे पेपर मिल सकते हैं तो फिर मैं निकल पड़ा अपने नैया लेके शिपरेक ढूंढने के लिए। एंड गाइस शिपरेक का तो पता नहीं लेकिन यहाँ पे मेरे को रुइन पोर्टल मिला जिसके अंदर थोड़ी सी ठीक ठाक लूट पड़ी हुई थी। लेकिन उसके बाद फिर मैंने काफ़ी जगह पे लूटपाट मचाई एक जगह पे तो भाई मेरे को मॉस के ब्लॉक मिल गए थे जो कि अब मैं पेड़ भी उगा सकता था एंड एक और मेरे को रुइन पोर्टल मिला। एंड गाइस फाइनली जाके मेरे को काफ़ी सारे पेपर यहाँ पे मिले एक बोट के अंदर एंड यहाँ पे एक नया फूड का सोर्स भी मिला यहाँ पे जो कि पोटैटो था क्योंकि मेरे को पोटैटो नहीं मिला तब तक अपने एक्सी फार्म से भी। देन फिर मैं अपने बेस पे उल्टा लौट आया एंड गाइस काफ़ी सारे बैम्बू बड़े भी हो चुके थे एंड अगर मैं तुम लोगों को दिखाऊँ ना अगर मैं इनको एक बार माइन करूँ तो मेरे को कितने सारे बैम्बू मिलते हैं तो सारे बैम्बू माइन करने के बाद मेरे को टोटल इतने सारे बैम्बू मिल जाते हैं भाई यहाँ पे बट अगर इनको हम ब्लॉक में कन्वर्ट करें तो मतलब क्या है इसके हम ब्लॉक तो बना देते हैं जैसे हम ओक का लोग होते हैं उसमें हमको चार प्लैंक मिलते हैं बट बैम्बू में ऐसा नहीं है हमको एक उसके लोग के सिर्फ दो ही प्लैंक मिलते हैं एंड टोटल मेरे पास कुछ इतने सारे ब्लॉक आ चुके थे। सो अब मेरे को मेरे पूरे बेस के प्लेटफॉर्म को कंप्लीट करना था तो मेरे को काफ़ी सारी डर्ट की जरूरत पड़ने वाली थी एंड लिटरली मेरे को यहाँ पे 3 डायमंड की सवर लग गई क्योंकि सोचो मेरे को कितनी सारी डर्ट इकट्ठी करनी पड़ी होगी तो मैंने यहाँ से काफ़ी सारी डर्ट इकट्ठी करी। एंड फिर सारी डर्ट इकट्ठी करने के बाद मैं लग गया अपने प्लेटफॉर्म को। एंड फिर सारी डर्ट इकट्ठी करने के बाद मैं लग गया अपने पूरे प्लेटफॉर्म को बनाने के लिए।
फाइनली अपने सारे प्लेटफॉर्म बन के तैयार हो चुके थे। एंड मैंने विलेजरों के साथ काफी ज्यादा ट्रेडिंग करने के बाद थोड़े से एमरल्ड भी इकट्ठा कर लिए थे, बिकॉज यार मेरे को इनसे बुक शेल्फ खरीदनी थी। एंड साथ साथ मैं बैम्बू भी काटे जा रहा था, बिकॉज आगे मेरे को काफी ज्यादा इनके काम भी पड़ने वाला था। एंड भाई फाइनली मैंने विलेजर के साथ लास्ट के 3 बुक भी कंप्लीट कर दी थी, मतलब मैंने 12 ऑलरेडी खरीद रखी थी। एंड गाइस फिर मैं अपने पोर्टल के पास आके यहाँ के चारों कोने तोड़ के ले गया, बिकॉज यहाँ के चारों कोने वैसे ही फालतू होते हैं। एंड मेरे को अपने लिए एक वो बनाना था, एन्चेंटमेंट टेबल। एंड गाइस टेम्पररी के लिए मैंने यहीं पे एक बार एन्चेंटमेंट टेबल का सेटअप बना लिया। एंड थोड़ी मोड़ी एन्चेंटमेंट भी मैं करने लगा, बिकॉज मेरे पास एक्सपी तो पड़ी हुई थी, तो मेरे को पिकैक्स और एक्स पे काफी मस्त मस्त चीजें मिल रही थी, तो मैंने वो भी लगा ली। एंड चेस्ट प्लेट में मेरे को प्रोटेक्शन 3 मिल गई थी थोन्स 2 के साथ, वो भी ले लिया मैंने। एंड पैंट पे प्रोटेक्शन 4 मिल गई थी। एंड भाई जूतों में मेरे को मिल गई थी यहाँ पे प्रोटेक्शन 3 और अनब्रेकिंग 3 के साथ। एंड बाकी यहाँ पे प्रोटेक्शन 3 हेलमेट में मिल गया था, जो कि ठीक ठाक एक बार एन्चेंटमेंट चल जाएगा काम। एंड गाइस मेरे टूल्स की हेल्थ खत्म हो चुकी थी, एंड मेरे सारे डायमंड खत्म हो गए थे शवल बनाने में। तो फिर अब मैं थोड़े से डायमंड लेने जाने वाला था। वैसे मेरे को डीप स्लेट ब्रिक्स भी चाहिए थी, आगे मेरे को काम था उसका बहुत। एंड भाई यहाँ पे लिटरली मेरे को अपनी जिंदगी की सबसे ज्यादा बड़ी वेन मिली, मतलब आज तक ऐसी वेन मेरे को मिली नहीं भाई, इतने सारे डायमंड एक साथ लगे हुए थे। एंड गाइस मेरे को काफी सारे स्टोन ब्रिक्स की भी जरूरत पड़ने वाली थी, तो मैंने यहाँ से काफी सारे स्टोन माइन करे। एंड गाइस साथ के साथ मैं अपनी सारी फसलें भी लगाया जा रहा था, बिकॉज भाई ये मेरे को पूरा भरना भी था, मेरे को काफी सारी फसलों की जरूरत भी पड़ने वाली थी। सो गाइस यहाँ पे मैंने काफी सारे फर्नेस भी बना दिए थे, बिकॉज मेरे को अपने कोबलस्टोन को माइन करके स्टोन में बनाना था, एंड फिर स्टोन ब्रिक्स बनानी थी उनकी। एंड गाइस अपने पास काफी सारा मटेरियल हो चुका था एक विलेजर के लिए एक बढ़िया सा घर बनाने का, तो चलो फिर बना देते उसे। फाइनली अपने विलेजरों के लिए एक बस्ता घर बन के तैयार हो चुका था। एंड यहाँ पे मैंने आप लोगों के नोट भी छोड़ा था। अरे बस कर भाई। देन गाइस अगर तुम लोगों को मैं अंदर ले जाके दिखाऊं, तो मैंने यहाँ पे अपने विलेजर को शिफ्ट भी करवा दिया था, तो यहाँ पे ये 3 विलेजर रहते हैं अपने मस्ती से। और अंदर मैंने ज्यादा कुछ मॉडर्न नहीं करा, मतलब नॉर्मल बैम्बू का करने की कोशिश करी, देखने में भी काफी ज्यादा प्यारा लग रहा था ये। एंड ऊपर मैंने अपना एन्चेंटमेंट टेबल वहाँ पे यहाँ सेटअप कर दिया था। एंड गाइस विलेजर का घर तो बन के तैयार हो चुका था हमेशा की तरह मेरे से पहले, लेकिन मेरा घर बनाना पड़ेगा वरना मेरे को वो धक्के मार के बाहर निकाल देंगे। बट उससे पहले मैंने इन लोगों को नए घर की पार्टी भी दी, बनाऊ भी मैं देऊ भी मैं। एंड गाइस अली बाबा भी आए जा रहे थे, बट वो काफी ज्यादा घटिया लूट दे रहे थे, तो चलो मैं घर बनाता हूँ, आप लोग सिनेमैटिक्स एंजॉय करो। बीच की क्लिप में तुम लोगों को दिखा रहा हूँ कि मैंने यहाँ से नेदर के काफी सारे ब्लॉक्स भी इकट्ठे करे, बिकॉज मैं इसकी बायोम बनाने वाला था। एंड सिल्क टच मेरे को विलेजर से मिल गई थी ट्रेड करके। एंड मेरे को ये ब्लू वाली बायोम के भी काफी सारी चीजें ली। एंड मैं इस ब्लू वाली बायोम में आ गया था, तो मैंने सोचा जब आ गया तो एंडर पर्ल भी लेके जाया जाए, तो मैंने यहाँ पे काफी सारे एंडरमैन को मार के एंडर पर्ल भी हाथों हाथ ले गया। एंड चलो करो सिनेमैटिक्स एंजॉय।
गाइस अपना बेस बनके तैयार हो चुका था। एंड आप लोगों को कैसा लगा 10 में से रेटिंग करना, एंड साथ में पीला दिल जरूर भेज देना जिससे मैं समझ जाऊंगा कि आपको बेस काफी ज्यादा अच्छा लगा। एंड फिलहाल तो मैं थोड़ी सी एक्सपी लेने के लिए आ चुका था बिकॉज मेरे को अपने बचे कुछ आर्मर को भी ठीक ठाक इंचेंट करना था। एंड अगर तुम लोगों को मैं अपने बेस का टूर दूं तो भाई देखो ये तो अपने एक्सी फार्म जो अपने पहले बनाया था, एंड ये शुगर केन फार्म, एंड ये रूम मैं तुम लोगों को वीडियो को बिल्कुल एंड में दिखाऊंगा। एंड यहाँ पे मैंने थोड़े से पेड़ उगा दिए थे जो मैं मोस्ट लेके आया था शिपरैक से। एंड यहाँ पे मैंने अपनी एक नेदर वाली बायोम बना दी थी जो कि काफी प्यारी लग रही थी देखने में। एंड ये रहा अपना विलेजर का ट्रेडिंग हॉल। एंड ये नेदर का रिप्ले चल नहीं रहा, मतलब ज्यादा कुछ खास करा ही नहीं, बस मैंने ये करा था। एंड मैं ऊपर थोड़ा सा अमीरी दिखा रहा था अपनी, बहुत पैसा है मेरे पास। एंड गाइस ये रहा मेरा प्यारा सा घर। एंड भाई पहले ही बता रहा हूँ अगर किसी ने इसको कमेंट में ढोलक या डमरू बोलने की कोशिश करी, एंड अंदर से ये ढोल आई मीन घर ये देखने में कुछ ऐसा लग रहा था। सो फुदकता सबसे पहले तो मैं अपने इंचेंटमेंट सेटअप के पास गया बिकॉज यार मैं पहली बार नेदरराइट का कुछ यूज करने वाला था। मेरे पास 4 तो एंसिड डेब्रिस हो ही चुके थे, 2 तो मैम को माइंड में मिले थे एंड 2 बैशन में मिले थे। तो सबसे पहले तो ना मैंने सोर्ड को इंचेंट करा बिकॉज मैंने अब तक मेरी सोर्ड इंचेंट नहीं करी थी। तो पहले मेरे को शार्पनेस 3 मिल रही थी, मैंने ले ली। एंड उसके बाद फिर मैंने अगेन दोबारा सोर्ड बना के दोबारा से ट्राई करा तो शार्पनेस 4 सीधी ही मिल गई। तो फिर मैंने सोचा ये काफी मस्त सोर्ड ऑलरेडी बनी चुकी है तो इसको मैं नेदरराइट में कर देता हूँ। एंड भाई लिटरली 10 का अटैक डैमेज हो चुका था। एंड भाई सब क्या ही खतरनाक लग रही थी हमारी सोर्ड। एंड यार मैं बो इंचेंट करना भूल गया था बट कोई दिक्कत की बात नहीं थी। अगर तुम लोगों को बताओ तो शुरू में हमको एक पावर 4 की बुक मिली थी सी से जब हम पहले पहले फिशिंग कर रहे थे, तो मैंने सीधी ये बो लगा दी। एंड कुछ की दिक्कत की बात नहीं, हमारे पास एरो तो बहुत सारे थे जो मैं एक्सपी फार्म से ले आया था ऑलरेडी। एंड गाइस ये जो नया टेम्पलेट वाला सीन है ना, तो मैं इसको बनाने की कोशिश कर रहा था बट ये एनविल में नहीं बन रहा था। तो मैं दोबारा स्मिथिंग टेबल में गया एंड यहाँ ये बन रहा था तो मैंने अपने आर्मर पे ये चढ़ा लिया। एंड उसके बाद ये आर्मर देखो भाई क्या ही लग रहा हूँ मैं, यार मैं इतना सुंदर क्यों हूँ ना। अपने पास सारा सामान तो पड़ा ही हुआ था क्योंकि मैं ब्लेज रोड भी ले आया था, एंडरबल भी ले आया था। तो मैंने सोचा क्यों ना उस काले चमकाते का खात्मा करके आया जाए। तो फिर मैं निकल गया अपने आइलैंड से उस काले चमकाते का खात्मा करने के लिए। एंड फिर काफी ज्यादा ट्रैवल करने के बाद भाई मैं पहुंच चुका था उसकी लोकेशन पे जहाँ पे स्ट्रॉन्ग होल्ड था। देन फिर मैं नीचे डिग डाउन करने लग गया। एंड गाइज मेरे पास टोर्स तो थी नहीं तो मैं सीधा डिग डाउन करे जा रहा था बट डिग डाउन करते करते भाई मैं फाइनली पहुंच चुका था उसके स्ट्रॉन्ग होल्ड के अंदर। एंड गाइज यहाँ पे तुक्का को या लक को एक्चुअली ना इस कमरे में पहुंचा बट ये कमरा बंद था। बट जैसे ही मैं जा रहा था मेरे को सिल्वर फिश की आवाज आई, मैंने कहा सिल्वर फिश की आवाज। देन मैंने तोड़ के देखा ना तो इस दूसरी बॉल को तोड़ने के बाद मेरे को यही पे स्ट्रॉन्ग होल्ड मिल गया भाई। एंड बस तुम लोग ही बस ये आवाज सुनो। एंड गाइस 2 मिनट दो, अभी उस काले चमगादड़ का खात्मा करके आता हूँ। एंड यहाँ पे मैं मरते मरते बचा। एक्चुअली नीचे पानी था तो मैं सोचा नीचे जंप कर देता हूँ बट जैसे ही मैं जंप करा उसी टाइम वो पानी हटा। भाई देखो क्या ही किस्मत है घटिया मेरी। तो भाई हाफ हेल्थ में बच गया जैसे तैसे करके। एंड लास्ट का इतने जोर से मारा कि एंड ड्रैगन क्या मेरा पीसी भी हैंडल नहीं कर पाया बट भाई मैंने फाइनली एंड को उससे फ्री कर दिया था। एंड मैंने कही थी ना वो कमरा मैं तुम लोगों को लास्ट में दिखाऊंगा, अगर मैं उस कमरे के पास तुम लोगों को लेके जाऊं, ये ऐसे क्या कर रही हूं, मतलब सीधा घर में तुम लोगों को लेके जाऊं, तो यहाँ पे मैंने कैद कर रखे थे वो ही 2 दरिंदे जो मेरे को पहले काफी ज्यादा सता रहे थे। एंड हाँ अब से ये लोग मेरे गुलाम। सो आई होप आपको आज की वीडियो देखने में मजा आया होगा। एंड इस वीडियो को यार जरूर से लाइक कर देना बिकॉज ऐसी वीडियो बनाने में काफी ज्यादा मेहनत है दिन लग जाते हैं। एंड गाइस सब्सक्राइब भी कर देना बिकॉज वी आर वेरी क्लोज टू हिट 10K सब्सक्राइबर। एंड गाइस इंस्टा पे मेरे को फॉलो कर सकते हो आने वाली वीडियो के अपडेट्स के लिए। एंड गाइस कमेंट भी आज से कर देना आपको बेस कैसा लगा, मैं हर बंदे ही कमेंट पढ़ता हूँ। तो फिलहाल मैं जा रहा हूँ आप लोगों के लिए बनाने एक और खतरनाक सी 100 डेज की वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।